चलिए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक 1946 प्रोविंशियल इलेक्शन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल को और लाइक भी कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। जून 1945 में वेवल प्लान जो था वो फेल्ड हो गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि गवर्नमेंट चेंज हो गई ब्रिटेन में। जुलाई 1945 को लेबर पार्टी पावर में आ गई और क्लेमेंट एटली नए प्राइम मिनिस्टर बन गए, ठीक है। उसके बाद सितंबर 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी एंड हो गया। अब ब्रिटेन क्या था कि ब्रिटेन दोबारा से कॉन्सेंट्रेट कर सकता था इंडिया पे। तो 19 सितंबर 1945 में लॉर्ड वेवल ने अनाउंस किया कि भाई दिसंबर 1945 से लेके जनवरी 1946 में इलेक्शन हेल्ड होंगे सेंटर में और प्रोविंसेस में, ठीक है। और उसके इलेक्शन के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को फॉर्म किया जाएगा। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने स्टार्ट कर दी कैंपेनिंग करना। कांग्रेस रिप्रेजेंट कर रहे थे पूरी इंडिया की पॉपुलेशन को, वन इंडिया यूनाइटेड इंडिया, और मुस्लिम लीग रिप्रेजेंट कर रहे थे सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन को, डैट इज़ पाकिस्तान, ठीक है। और इसी बेसिस पे उन लोग वोट भी मांग रहे थे। और वो जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में 102 में से 59 सीट हासिल की थी और मुस्लिम लीग ने 102 में से 30 सीट हासिल की थी, ठीक है। प्रोविंसेस में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास बॉम्बे सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, यूनाइटेड प्रोविंस और आसाम में विन किए थे इलेक्शन, और मुस्लिम लीग ने सिंध, पंजाब एंड बंगाल में, ठीक है। मुस्लिम लीग का परफॉर्मेंस जो था 492 सीट्स में से 429 सीट मुस्लिम लीग ने हासिल की थी। यही था इंडिया 1946 का प्रोविंशियल इलेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर भी कर लेना और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को, थैंक यू सो मच।